मनासा में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव को लेकर थाना प्रभारी व एसडीओपी ने मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण। मनासा में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर वार्ड पार्षद के लिए 56 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। मनासा में सुबह 7 बजे से दूसरे चरण में मतदान शुरू हुआ। निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। वहीं पुलिस बल के साथ एसडीओपी थाना प्रभारी लगातार पुलिस बल के साथ मनासा नगर में गश्त लगा रहे हैं। उत्कृष्ट विद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। किसी प्रकार की कोई घटना न हो जिसके लिए मतदान केंद्रों पर पुलिस बल तैनात है। प्रशासनिक अधिकारी प्रत्येक पोलिंग बूथ पर जागरण सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। बरसात के मौसम को देखते हुए मतदाता काफी कम संख्या में केंद्र पर पहुंचे। वहीं दोपहर बाद मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोग मतदान के लिए कतारों में खड़े दिखाई दिए। बारिश की वजह से मतदान पर कुछ प्रभाव पड़ने की संभावना है। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से भी मतदान को लेकर काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। लगातार पेट्रोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रही हैं। आज मनासा सब डिवीज़न के तीनों थाना क्षेत्र मनासा, रामपुरा और टुकड़ेश्वर में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हो रहे हैं और जो अभी तक है मतदान शांतिपूर्ण रूप से चल रहा है। पुलिस की QRT, SST, FST और विशेष वार्ड के लिए विशेष टीमें, आबकारी की टीमें और थाना प्रभारी महोदय स्वयं मय बल के जो हैं तैनात हैं और सभी शांतिपूर्ण रूप से निर्बाध रूप से पारदर्शी स्वतंत्र मतदान हो रहा है। वार्डवासियों की जनता के लिए चुनाव में मैदान में उतरी हूँ कि यहाँ पे जो भी परेशानी है, जिस परेशानियों से वार्डवासियों की जनता गुजर रही है, उन सबको दूर करने के लिए मैं इस मैदान में उतरी हूँ चुनाव में। अगर मुझे जनता ने नगर परिषद में बैठने का मौका दिया है तो मैं अपने वचन पर जरूर खड़ी उतरूँगी। जैसा वार्डवासी चाहते हैं वैसा जरूर करूँगी। उनको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। उनको ये नहीं कहना पड़ेगा कि हमारा पार्षद कैसा आया है, कि हमारी कुछ सुन नहीं रहा है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो वार्डवासियों की जनता कहेगी ना वैसा ही काम होगा। देखिए ऐसा है कि जो वार्ड 8 है, ये हम ऐसे उम्मीदवार को चुनेंगे जो शिक्षित हो, इस वार्ड की समस्या को जान सके। इस वार्ड में जो भी समस्या, मूलभूत सुविधाएं जो इसमें बाकी रह चुकी है, वैसे करीब करीब इसके पूर्व परिषद में मनासा नगर की ऐसी कोई गली, मोहल्ले, नालियां, रोड नहीं बाकी रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ जो ऐसी मूलभूत सुविधा का अभाव है वार्ड में, जो भी इसमें हमारी ये समस्या थी हमने हमारे उम्मीदवार को बताई और बिल्कुल हम उनका सहयोग करेंगे और ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो अपनी बात उचित प्लेटफॉर्म पर रख सके, जो अपनी बात आगे तक पहुँचा सके और मतदाता हित की बात कर सके।